ब्रेक के बाद मैं निर्जा आप सभी का आरोग्य मंत्र में तहे दिल से स्वागत करती हूं। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे, महत्वपूर्ण विषय पे डॉक्टर प्रताप चौहान से बात कर रहे हैं, वो है निद्रा के बारे में। आइए पूछते हैं उनसे और कुछ सवाल। जी डॉक्टर साहब, तो आपने बताया कि निद्रा के कितने सारी, आपने बताया पूरी दुकान खुली हुई है अलग अलग चीज़ों की जो कि उत्तेजित करती हैं लोगों को, और हमारे लिए आवश्यक है कि अपने मन को संयम में रखें, नींद अच्छी आनी चाहिए। अब उन लोगों का क्या करें जो कि खुद मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, जिनको नींद आती ही नहीं है? नहीं, उसका इलाज है आयुर्वेद में। तो देखिए, हमें सबसे पहले समझना है कि नींद क्यों नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं रात को कॉफ़ी पी रहे हैं आप, ऐसा तो नहीं रात को टीवी देख रहे हैं 2 घंटा तो वो तो स्टिमुलेशन हो जाएगा, या सिगरेट पी रहे हैं रात को, अल्कोहल आप पी रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, कारण क्या है। फिर हमें देखना है कि किस प्रकार से मन को शांत करना है। केवल मन को शांत करना है आपको? मन को शांत करने के लिए सबसे बहुत बढ़िया चीज़ है, शाम के समय जब ऑफिस से आते हैं, बजाय कि आप कॉफ़ी पिए, चाय पिए, टेलीविज़न चालू करें, आप सिर में मालिश करें, चंपी कराएं, बढ़िया अच्छी तरह से कोई भी तेल ले लीजिए, सरसों का तेल, तिल का तेल, उसकी मालिश करें, शवासन करें। फिर उसके बाद थोड़ा स्नान करें गुनगुने पानी से, अगर बहुत गर्मी है तो ठंडे पानी से स्नान करें, तो इससे आपके मन में रिलैक्सेशन आएगा। उसके बाद कोई टेंशन नहीं, कुछ बढ़िया खुशबू लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, कोई बढ़िया सात्विक म्यूजिक लगाएं, कोई मंत्रोच्चारण लगाएं। अगर कोई प्रोग्राम आपको देखना भी है टीवी में तो ऐसा देखें जिससे कि मन आपका रिलैक्स हो। बढ़िया खाना खाएं, गरिष्ठ भोजन जिसमें कि थोड़ा सा स्निग्ध भोजन करें, और रात को सोने से पहले अपने तलवों में घी से मालिश करें या बादाम रोगन से मालिश करें, नाक में बादाम का तेल डालें। और बहुत अच्छा रहेगा कि रात को सोने से पहले 1 कप गरम गरम दूध, उसमें थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर मिला करके आप सेवन करें। देखिए कैसे नींद आएगी आपको, फर्स्ट क्लास नींद आएगी, बहुत बढ़िया। लेकिन टाइम से सोना है, ऐसा नहीं कि 3 बजे सोएंगे या 2 बजे सोएंगे, 10 बजे तक आपको सोने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप सुबह जल्दी फ्रेश उठें और अपना कुछ दिन में सुबह का काम, जो आपका हम जीवानंद का प्रोग्राम आपको बताते हैं, उसको आप फॉलो कर सकें और अपने शरीर और मन और आत्मा को स्वस्थ। डॉक्टर साहब, तो मैं आपको बीच में काट रही हूँ, रियली सॉरी। अगली जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे हमारे अगले पेशेंट के बारे में, जो कि ओडिशा से, आपने हमारे टेलीमेडिसिन सेंटर से उन्होंने इलाज लिया था और उनको बहुत अच्छा फील हुआ, वो जीवा के सेंटर में भी आई पंचकर्मा करने के लिए। आइए पहले देखते हैं उनका क्या कहना है। जी नमस्कार, मैं आरती साहू ओडिशा से आई हूँ जीवा क्लिनिक में। मुझे बहुत सालों से अस्थमा, बैक पेन, नी पेन, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम से मैं सफ़र कर रही थी। मैंने बहुत इलाज कराया, बहुत एलोपैथिक दवाइयाँ और भी तरह तरह के कितने इलाज मैंने करवाए, लेकिन मुझे कहीं भी रिलीफ नहीं मिला। जो भी रिलीफ मिलता था वो टेम्परेरी, फॉर अ टाइम बीइंग मुझे अच्छा लगता था, इंजेक्शन लेकर या एस्टेरॉयड लेकर, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे कभी रिलीफ नहीं मिला। एक दिन अचानक मैं टीवी ऑन की तो वहाँ पर देखी डॉक्टर प्रताप चौहान जी का कोई आयुर्वेदिक प्रोग्राम आ रहा था। मेरी उत्सुकता जागी और मैं कुछ देर के लिए उन्हें सुनने लगी, और मुझे पहली बार में ही मुझे उनका इलाज या उनके जो थेरेपी, जो छोटी छोटी घरेलू उपचार से जो इलाज बतला रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिन मैं जीवा में फ़ोन की और यहाँ के बारे में मैं सब जानकारियाँ ली, तो यहाँ पर डॉक्टर्स लोग काफ़ी, मैंने हर पेशेंट को इंडिविजुअली अटेंड करते हैं, मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बतलाई और उन्होंने थ्रू मेल मुझे मेडिसिन्स भेजे 1-2 महीने के लिए। मुझे खाते ही मुझे लगा कि मुझे रिलीफ मिल रहा है, सारी प्रॉब्लम से मुझे काफ़ी रिलीफ, और मन में भी मुझे प्रसन्नता होने लगी, और मुझे थोड़ा चमत्कार जैसे भी लग रहा था कि 1-2 महीना दवा खाने में मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस मैंने महसूस किया। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वहाँ फरीदाबाद जाकर, जहाँ उनका मेन क्लिनिक है, मैं भी अपना ट्रीटमेंट करवाऊँ। अभी मैं 9 दिन से जीवा में आई हुई हूँ और मेरी इलाज चल रही है। मुझे ट्रीटमेंट जो सजेस्ट किया, जिसमें पंचकर्म ट्रीटमेंट में जैसे सिरोधारा, नस्य चिकित्सा, नाड़ी शोधन, एनिमा, ये सब ही, और शरीर पर पूरा तेल की मसाज, तरह तरह की तेल की मसाज और कई तरह की एनिमा, जो कि मैं पहली बार ये ट्रीटमेंट ली और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा कि सच में ये तो आंतरिक शोधन है, आंतरिक शुद्धि है। और मुझे आए 9 दिन हुआ है और यहाँ पर आकर मैं अपने को ब्लेस्ड समझती हूँ कि भगवान ने मुझे सही जगह पर सही समय में भेजा, जो मैं इतनों सालों से, करीब 10-15 सालों से मैं कष्ट भोग रही थी।
जी डॉक्टर साहब, तो हम सभी आपसे जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली जो उनकी प्रॉब्लम थी वो कैसे क्योर हुई, क्या प्रॉब्लम? तो देखिए, जैसा कि उन्होंने खुद ही कहा कि जब 2 महीने उन्होंने दवाई खाई, यहाँ से जो दवाई मंगाई, पुराना रोग था, जोड़ों का दर्द और तमाम शरीर में उनके प्रॉब्लम्स थी, तो 2 महीने में उन्होंने काफ़ी आराम महसूस किया, बल्कि उनको लगा कि कुछ जादू हो गया है। तो मैं आपको बताऊं कि जादू नहीं होता है कुछ भी। असली चीज़ होती है कि अगर सही डायग्नोसिस हो जाए और सही उसका इलाज मिल जाए तो उसमें रिलीफ आता ही आता है डेफिनेटली। कभी कभार जब रिलीफ नहीं आता है तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, या तो डायग्नोसिस ठीक नहीं हुआ है या औषधि ठीक नहीं है। और कई बार डायग्नोसिस भी ठीक है, दवाई भी ठीक है, फिर भी कई बार आराम उतनी जल्दी नहीं आता, टाइम लगता है। इसका मतलब रोग बहुत क्रॉनिक है, मजबूत है, बलवान है। रोग का भी बल होता है, औषधि का भी बल है और रोग का भी बल है और रोगी का भी बल है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि रोगी का बल, औषध का बल और रोग कितना बलवान है, ये सारी चीज़ें देख करके फिर निर्धारित किया जाता है कि कौन सी दवाई देनी चाहिए, किस मात्रा में देनी चाहिए। बड़ा अच्छा साइंस है आयुर्वेद, बहुत अच्छी एक हमारी चिकित्सा प्रणाली है तो बहुत पुरानी, लेकिन आज के युग में भी बिल्कुल सार्थक है और बहुत, मैं कहता हूँ, प्रैक्टिकल है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आगे के भविष्य में आयुर्वेद के बिना हमारी चिकित्सा पद्धति, चाहे कोई भी हो, वो अधूरी रहेगी। इसलिए आयुर्वेद को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जैसा कि अभी इस पेशेंट से हमने सुना कि उसने जब ये देखा कि फ़र्क पड़ रहा है तो फिर पंचकर्म के लिए आया, पंचकर्म के लिए वो यहाँ आई तो यहाँ पर उसको और भी अच्छा लगा। तो हम तो यही कहते हैं कि इसलिए हम आपको छोटे छोटे नुस्खे बताते हैं कई बार। तो नुस्खे बताने का कारण हमारा केवल इतना ही है आपको कि आप थोड़ा सा आयुर्वेद के का एक टेस्ट आपको मिले। लेकिन वहीं पर मत रुक जाइए। बहुत सारे लोग जो अभी भी फ़ोन करते हैं, हमें नुस्खा बता दीजिए, बस नुस्खा तो बता देंगे आपको, लेकिन नुस्खा से आगे भी बढ़िए। रोग है अगर पुराना तो उसका इलाज करिए। प्रॉपर इलाज करने से ही रोग आपका जाएगा, केवल नुस्खे से आपका रोग नहीं जाएगा। जी डॉक्टर साहब, तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि नुस्खे तो केवल आपके लिए एक एपेटाइजर है, मेन कोर्स तो आपको खाना ही पड़ेगा। मतलब कि अगर आपको कोई रोग है तो आपको अवश्य समझना पड़ेगा कि उस रोग का जड़ क्या है और कैसे कर सकते हैं उसका निवारण। वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद।